भाभी गुस्सा हो गए, भाभी कह रहे खुद खाओ अपना खाना। बोलना चाहती है कि आज हम जा रहे हैं मूवी देखने, घूमी घूमी सर मूवी नहीं घूमी घूमी। गाइस भैया किसी को नहीं दे रहे हैं, किसी को दे नहीं रहे पर ले सबने। वन शॉट ऑन दिस वन आल्सो। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गुड इवनिंग आप सबको। अच्छा, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज शाम को, शाम भी क्या रात को 7 बजे से। तो आज हम सब जा रहे हैं मूवी देखने। हेलो गुड इवनिंग गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उनके लिए गुड मॉर्निंग हो गई, आप सुबह डाल रहे हो। और मैं वीडियो की स्टार्ट कर रही हूँ, वीडियो की स्टार्ट कर रही है आज आहाना। तो आहाना बोलिए। तो आहाना बोलना चाहती है कि आज हम जा रहे हैं मूवी देखने, घूमी घूमी सर मूवी नहीं घूमी घूमी जा रहे हैं हम। तो हमारी मूवी है 6:55 की और अभी टाइम हो चुका है 7:10। पहले बताओ मूवी लेट किसकी वजह से हुई? और लेट हम किसी एक की वजह से नहीं हुए, ये सबकी क्या बोलते हैं म्यूचुअली लेट हुए हैं। तो हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते हैं आज। भाभी 10 मिनट लेट है हमसे, थोड़ा सा लेट भाभी काम कर रहे थे ना। काम नहीं भाभी, तो अब हम जा रहे हैं। हनी ये कौन है? ये है एक नया सदस्य। कहाँ का? नया तो नहीं है, है तो काफी पुराना, हमारे अकेले नया है। लेकिन अभी हमारे साथ मूवी जा रहा है ये नया है, इसका अचानक प्लान बना है। ये भाभी और जा रहे हैं भैया, भाई जा रहे हैं भाई, भाभी भैया। अभी हम देखते हैं हम शैतान मूवी देख पाते हैं कि नहीं। अगर हम टाइम पे पहुंच गए तो हम शैतान देखेंगे, देखनी है शक्ल देख लो। और अगर नहीं पहुंच पाए तो शायद हमें योद्धा देखनी पड़े, है ना हाना? हाना आप कौन सी देखना पसंद करोगे, शैतान या योद्धा? जो कोई भी दिखा दो, मैंने तो कालू मदारी देखना है वहाँ पे। कालू मदारी देखना। फाइनली हम 7:30 पे पहुँच रहे हैं अभी यहाँ पे रिलायंस में। ये अलग ही नज़ारे ले रहा है हनी। शैतान का हाउस फुल भी हो चुका है, 15 मिनट की मूवी भी निकल गई है। तो अब देखते हैं हम कौन सी देखते हैं। गाइस कोई भी फोन गिरा लिया है भाभी ने भैया का, क्या पता। तो गाइस अब हम शैतान नहीं देख पा रहे हैं भैया, क्योंकि कुछ खास मिली, इसका बहुत मन था शैतान देखने का और मेरा भी। शैतान देखने के लिए आई थी और अब हम शायद योद्धा देख रहे हैं, शायद शैतान देखने हम चलेंगे। ये शैतान देखने फिर आते किसी दिन, वही तो। तो हमारा गोलू सो गया है, भैया को इतनी भूख लगी है कि भैया अपना फटाफट मंचूरियन राइस करा दीजिए, खा रहे हो तो बताओ, नहीं तो मैं तो खा रहा हूँ भैया भूख से। मुझे बताओ इतना टाइम है खाने का मेरे पास, तो है आप भैया के पास करें, खाने का टाइम है भैया करें। मेरे लिए मूवी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए खाना इम्पोर्टेंट है। भाभी को बॉटल नीचे गिर जाएगी। अभी तक अब तो हम तो जल्दी थे, टाइम पे थे, लेकिन 8 बज गए, हमारा शो शुरू होने वाला है। भैया का ऑर्डर पहले से किया हुआ है, वो अभी तक नहीं आया है। और एक हमने फिर से यार चिली के चीज़ चिली के साथ ज़्यादा बढ़िया था। भैया ने कहा है मंचूरियन राइस, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मंचूरियन और नूडल्स। और भैया का ऑर्डर 10 मिनट से अब आ रहा है, तो हमारा पता नहीं कब तक आएगा। तो आक्रमण करते हैं भैया के मंचूरियन नूडल्स पर। उधर खाएं, चुप करो भैया, इतना करोगे ना कोई ना, भैया इतना कर लोगे ना। भैया किसी को नहीं खाने दे रहे हैं, भाभी गुस्सा हो गए, भाभी कह रहे खुद खाओ अपना। हिमांशु भी कह रहे हैं मैं भी किसी को नहीं दूंगा। और ये रिजिना को सच में लग रहा है उसको आने में संभालने के लिए। मैं तो हमारी ये मूवी भी शायद स्टार्ट हो चुकी है और हम फिर बैठे बैठे भी लेट हैं। हम इसको भी लेट करना चाहते हैं। हम इसलिए लेट हैं क्योंकि भैया खा रहे हैं, इसलिए हम लेट हैं। भैया ने हमें दिया है, हम मॉल में बैठ के भी लेट हैं। आधे घंटे से
खाने का हिमांशु तो ऐसे है जैसे गोवा गोवा पीछे हो वो गाइस पिछले साल ठीक है सर पिछले साल मैं गोवा गया था भाई को हिमांशु अपना अकेला ही खा रहा है, ये बहुत ही बदतमीज हो गया है। लो दीदी दीदी को पूछ रहा है वो, लेकिन इस दूसरी दीदी को नहीं पूछा गया। कितनी मस्त आ रही है रितिका, पता तो यहाँ पे फोटो खींचे हम। अभी हम जा रहे हैं, अब मूवी के लिए अंदर जाते हैं। Guys, we are on time. A perfect timing. We have. Buddha. एक ऐसी टास्क फोर्स जो हर परिस्थिति में देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहे, जिसमें वायु थल और नौसेना के सबसे बेहतरीन फौजी हैं। अभी तक तो अच्छी लग रही है, अभी इंटरवल तो अभी हुआ है, मेरा इंटरेस्ट तो अब आएगा, तो देखते कैसे। तो ये दोनों भी आ गए वॉशरूम जाके, मतलब ये हनी और हिमांशु। हनी आपको मूवी कैसी लगी? अच्छी है। तो गाइस इंटरवल थोड़ा ही 5 मिनट का ही था, अब हम अंदर जा रहे हैं फिर से। ये 3D ग्लासेस चोरी कर रहे हैं। चोरी क्या कर रही है? ये 3D ग्लासेस रोक दे जाके ला तू, रोक दे। ये 2D मूवी देखने के लिए 3D ग्लासेस क्यों उठा रहे हो, मुझे ये नहीं पता। इधर 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 टेंपरेचर कंट्रोल में रखता, फैक्ट्री के हॉस्पिटल में लगता ड्यूरेबल। सो गाइस मूवी खत्म हो गई है, और अनु को भी मूवी अच्छी लगी। यस अनु को भी मूवी अच्छी लगी है, और अब हम पार्किंग में ढूंढ रहे हैं भैया भाभी और रितिका को, क्योंकि वो अलग लिफ्ट से आए, हम अलग लिफ्ट से आए। अनु मम्मा के पास भाग भाग के जा रही है। अनु वेयर इज मम्मा? तो भैया लोग पार्किंग से सीधा बाहर ही आ गए थे, तो हम भी बाहर आ गए। तो गाइस अब हम खा रहे हैं बर्गर, शायद खाओ फिर रोका किसी ने। शायद कुछ कंफर्म नहीं है। दिस इज हनी एंड दिस नो हनी, इट्स समक्ष नो हनी नो मनी। तो अभी हम सारे आ गए हैं बर्गर खाने, मैं नहीं बैठना यहां बैठा हूं, खाना हम खा रहे बर्गर, भैया पता नहीं नान खा रहे। नान है नहीं, नान नहीं बनेगा, नान बनेगा नहीं तो भैया पता नहीं रोटी खा लेंगे, हम बर्गर खा रहे हैं। ये अंकल का फोन छेड़ने में लगी हुई है, तो अब सबसे लेते हैं मूवी का एक एक बार रिव्यू और आपको बताते हैं। और इसकी तो रितिका दीदी के साथ अलग ही बॉन्डिंग है, मुझे लगता है जब भी इसके साथ होती है मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, हनी की बेस्ट फ्रेंड है। तो हाँ जी आप बताइए मूवी का रिव्यू दीजिए,
आपको 10 में से 10 में से अगर आपको रेटिंग देनी होगी कितनी दोगे? 7 और आप 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था थिएटर में जब मैंने ऐसे किया था तो मेरी रेटिंग तो तभी मिल गई। मतलब इसने 10/10 दे दिए। और हिमांशु से रिश्ते अब हिमांशु तुम के ये कल फिर दोबारा देखने जा रहा है? फिर से देखने कल फिर देखने जा रहा है। और मैं लेकिन कल मैं और कल का इसका प्लान है कि ये ना एग्जिट से एंटर करेगा तो भी हम एक अलग से व्लॉग बनाएंगे। कल हमारे एग्जिट से एंटर होगी वो भी हिमांशु रावत तो हिमांशु सिक्योरिटी टाइट कर लेना। एग्जिट से एंट्री कर ले सिक्योरिटी टाइट रखना। सिक्योरिटी टाइट कितनी रखना? एंट्री मारेंगे फिर मत बोलना कुछ होगी क्योंकि मूवी तो अच्छी है काफ़ी लेकिन वहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी और हॉल ऑलमोस्ट खाली था। 50% भरा हुआ था। 50% भी नहीं था। 50% भी नहीं भरा हुआ था लेकिन मूवी तो बड़ी अच्छी थी। गाइस एक बर्गर आया सबसे पहले इसने ले लिया। नहीं खाना तो हमारे बर्गर भी आ गए। बर्गर ही पिछड़ गया हिमाचू ने आधा खा भी लिया मुझे लगता है। तो अब हम जा रहे हैं रितिका को ड्रॉप करने। पहले इसको ड्रॉप करेंगे ये तो मैं इसको इसके घर पे फेंक के आएंगे। फिर भैया भाभी लोग मुझे और हिमांशु को फेंकेंगे इसको फेंकेंगे इसके कमरे में। इसको तो सीधा कमरे तक की सर्विस मिलेगी। तो कपड़ा नहीं मारे से डीजे। सो गाइस हम आ गए हैं घर और इसी के साथ मेरी वीडियो की एंडिंग हो जाती है। तो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट।